हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान गए होंगे कि मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में बिहार पुलिस रिजल्ट 2019-20 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब से आपका रिजल्ट आया है तब से बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर ऐसा हुआ वैसा हुआ। जिन जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया उन लोगों के बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इंसाफ नहीं हुआ है, धांधली हुई है, जो हुआ है वो हुआ है। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए मैंने कमेंट्स आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें बोला था कि आखिरकार वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट फिर से आना चाहिए, आपका फिर से जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने पोल क्रिएट किया था, पोल में भी बहुत ज्यादा वोट्स पड़े हैं, 500 के अबव जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा यदि आप आगे प्रोसेस करना चाहते हैं तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रूफ्स। जी हाँ दोस्तों, सबूतों की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों, कोई कहे कि सर बिहार पुलिस में धांधली हुई है, कोई कहे कि पैसा चला है, कोई कहे करप्शन हुआ है, तो दोस्तों मात्र कह देने से कि बिहार पुलिस में धांधली हुई है आपकी बात कोई नहीं मानने वाला। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप कहेंगे सही भी हो फिर भी नहीं मानेगा मात्र कह देने से, क्योंकि दोस्तों एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाना इंसान की आदत होती है। यदि आप चाहते हैं क्या कि आपको न्याय मिले, यदि आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट फिर से आए, तो दोस्तों आपको क्या होना चाहिए आपके पास, मैं उस चीज की बात करने वाला हूं इस वीडियो में। जैसे कि फ्रेंड्स, आप जानते हैं यदि आप कोर्ट केस करेंगे, आप कुछ आगे प्रोसेस करेंगे तो आपके प्रूफ्स होना चाहिए आपके पास प्रॉपर। जी हाँ दोस्तों, और प्रूफ भी कैसे? ठोस, मजबूत। जी हाँ दोस्तों, जिनको कोई हिला ना सके ऐसे प्रूफ होना आवश्यक है। तो दोस्तों, आज मैं उसी वीडियो पर बात करने वाला हूँ, उसी चीज को लेकर बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और खासकर दोस्तों, यदि आप सच में चाहते हैं कि आपको आपका न्याय मिलना चाहिए, यदि धांधली हुई है तो आपको इसका इंसाफ मिलना चाहिए, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन सभी कैंडिडेट के पास यह इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, यह वीडियो पहुंच जाए जिन जिन ने बिहार पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम दिया है। चलिए फ्रेंड्स, मैं बढ़ता हूं आगे और आपको हर एक चीज दिखाता हूं कि आपके पास यदि प्रूफ है तो आप कैसे सबमिट करेंगे, आप कैसे बताएंगे, और मैं आपसे कैसे चेक करूंगा हर एक चीज, और आपको बताऊंगा कैसा मत आ रहा है अभी कैंडिडेट का। ओके, बढ़ते हैं आगे। लेकिन दोस्तों, फिर से बोलना चाहूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जहां हो जैसा हो पॉसिबल इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं मैं आपको लेकर आ गया हूं यूआर एग्जाम गोली की कमनी टैब पर। आप ही जाएंगे चैनल की तो आपको दिखेगा जहां पे मैंने पोल क्रिएट किया था और क्या बोला था कि कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019-20 का रिजल्ट फिर से आए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने 596 ने यहाँ पर भाग लिया है। 596 में आप देख सकते हैं 85% एस में जा रहा है और 15% नो में जा रहा है। आप दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कैंडिडेट हैं उनमें असंतुष्टि बनी हुई है। मैक्सिमम वोट एस में जाने का यही रीजन है, कैंडिडेट असंतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं है इस रिजल्ट से। लेकिन दोस्तों, असंतुष्ट और संतुष्ट किस चीज से डिसाइड हो रहा है? दोस्तों, आपके रिजल्ट से हो रहा है। लेकिन मान के चलिए कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है तो वो नॉर्मल सी बात है, वो संतुष्ट तो नहीं रह सकता। लेकिन दोस्तों, यदि वो मैक्सिमम मार्क्स में फेल हो रहा है, मैक्सिमम मार्क्स आने के बाद भी फेल हो रहा है, तो यहाँ पर हाँ अखरता है कि नहीं इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। दोस्तों, यदि आपके मार्क्स 30 आए हैं, 35 आए हैं, 40 आए हैं, 50 आए हैं, तो हम मान सकते हैं कि चलो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप असंतुष्ट भी हैं तो कोई बात नहीं। बट आपके मार्क्स ज्यादा आए हैं और उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर फिर आपको न्याय मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं वही बात आपसे यहाँ पर बोलने वाला हूँ कि आपको कैसा क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें यहाँ पर यदि आप निकालेंगे भी तो 100% का 15% यहाँ पे तो बहुत ज्यादा जा रहा है दोस्तों, वो ही जा रहा होगा करीबन 1,50,000 1.5 लाख के समथिंग जा ही रहा होगा आपका जितना कैंडिडेट था 10 लाख के अबव। तो दोस्तों, यहाँ पर 5% के ओनली सिलेक्शन होना था, तो 95% आपकी जो सीधी सीधी बात है कि वो कैंडिडेट उतनी ज्यादा खुश नहीं होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, ऐसे कमेंट देखने को भी मिले, मैंने बताया भी आपको कि 80, 82, 84 वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, बात एक है क्या कि यदि आप सच में चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले, न्याय मिले, तो दोस्तों एक पहली बात जो आप अभी सुन लें, आपको प्रॉपर प्रूफ की आवश्यकता है, ठोस सबूतों की आवश्यकता है, ताकि आप आगे यदि एक्शन ले रहे हैं तो आपके पास कुछ एविडेंस होना चाहिए सामने वाले पर्सन को दिखाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने मार्क्स खुद से नहीं बता सकते कि मेरे मार्क्स इतने थे, मेरे मार्क्स उतने थे।
आखिरकार आखिर बोर्ड ने आपका कैसा रिजल्ट दिया, कितने मार्क्स आए, आप उसको प्रूफ के तौर पर रख सकते हैं। जैसे कि ऐसा बहुत से कैंडिडेट ने किया भी है कि उन लोगों ने आरटीआई लगाया है। आप जे है कि आरटीआई का रिप्लाई जल्दी से आता है, देर से आता है, अब बोन के ऊपर फिक्स है ना। आप लोगों ने वो आरटीआई लगाया है, उसका इंतजार करिए, वो आरटीआई आने दीजिए, फिर आप आगे चाहें तो एक्शन ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार आपको क्या करना है यदि आपके पास है ठोस प्रूफ। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर उन्हीं कैंडिडेट को आना है इस लिंक पर क्लिक करके जिनके पास है क्या ठोस सबूत। ठोस का मतलब ये समझते हैं ना कि या तो बिल्कुल आपके पास ऐसा कोई कैंडिडेट हो जिसका सिलेक्शन हुआ है पैसे देकर। जी हाँ दोस्तों, वो कैंडिडेट आपको इंटरव्यू देना चाहे उसकी आप वीडियो बना सकते हैं, एक मिनट के समथिंग शॉर्ट। ओके, सेकेंड, आपने किसी अधिकारी का आपने वीडियो बनाया हो पैसा लेते हुए करप्शन में, मतलब कि धांधली करती हुए, एक जे हो गया। तीसरा, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स से कुछ ऐसा इमेजेस वगैरह जिससे प्रूफ होता है कि यहाँ पर करप्शन हुआ है। चौथा, आपके पास कुछ और भी प्रूफ हो, बट ठोस प्रूफ हो, ना कि कहने सुनने। जी हाँ दोस्तों, कहने सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको ठोस प्रूफ है तभी आप यहाँ पर आइएगा इस लिंक पर और अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट कीजिएगा। अब फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आते ही लिंक पर क्लिक करते हुए ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस आप जैसे ही डालेंगे तो दोस्तों आपको फिर सेकंड सेक्शन मिलेगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, आपको यहाँ पर अपना ईमेल डालने के बाद मोबाइल नंबर डालना है। ओके, मोबाइल नंबर आप सही डालिएगा ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको डालना है क्या कहाँ रहते हैं आप, आपको जी बताना है, और इससे भी पहले आपको बताना है कि फुल नेम क्या है आपका। जैसे दोस्तों आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, आपके पास क्या सबूत है हमें बताएं। दोस्तों आपका सबूत वीडियो में है तो आप इस पर क्लिक करिएगा, आपका सबूत ऑडियो में है तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, आपका सबूत यदि कोई आंसर शीट से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, यदि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई है आपके पास तो यहाँ पर क्लिक करिएगा, अदरवाइज यह कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर टाइप करके भी बता सकते हैं। अदर ऑप्शन में दिया है जो आपके पास प्रॉपर सबूत हो, ठोस सबूत हो। ओके, लेकिन यदि आपके पास ठोस सबूत है तभी आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स देंगे। मैं चाहता तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा सेक्शन भी जोड़ सकता था कि आप अपने सबूत को यहाँ पर अपलोड कर दें, मतलब कि यदि आपके पास कोई वीडियो है, यदि आपके पास कोई ऑडियो हो, या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, इमेजेस हैं, जिससे कि अप्रूव होता है कि यहाँ पर धांधली हुई है, मैं वो सेक्शन भी यहाँ पर ऐड कर सकता था। लेकिन चूंकि अभी आपकी मेरे पास डिटेल्स नहीं है, मैं आपकी डिटेल्स लूंगा, आप पर टेस्ट करूंगा, यदि आपका हाँ लग रहा है कि आपके पास है, कॉन्टेक्ट करके बाकायदा आपको ईमेल आईडी दूंगा, आप उस पर सेंड करिएगा। अब इससे होगा क्या सर, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। यदि सच में दोस्तों 10-15-20 के समथिंग समथिंग ऐसे कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं सामने जिनके पास प्रॉपर प्रूफ है, ठोस सबूत है, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर आगे बढ़िएगा, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, न्याय न्याय होता है, सबके लिए एक समान होता है, सीएम हो, पीएम हो, कोई डिपार्टमेंट हो, सेंट्रल का हो, स्टेट का हो, यदि आपके पास प्रूफ है तो अच्छे अच्छे लोग जेल के पीछे चले जाते हैं, आपको पता होगा ना। तो अपने न्याय पर विश्वास रखिए, यदि यहाँ पर करप्शन हुआ है तो आपको इसका न्याय जरूर मिलेगा। बट हर एक चीज को इकट्ठा करके चलना है, सबको एक साथ चलना है, तभी सब कुछ पॉसिबल होगा। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में यही बोलना चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आऊंगा जिसमें आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स देनी होगी कि आपका पेपर किस डेट में हुआ था, किस शिफ्ट में हुआ था, कितना मार्क्स आया, जिससे भी कुछ और चीजें एनालिसिस हो सके। एंड इसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे ही कैसे न्याय मांग सकते हैं, पा सकते हैं, ईमेल के माध्यम से, या फिर आप किसी अदर चीज के माध्यम से आप कोर्ट तक नहीं जा पा रहे हैं तो, या फिर आप और भी कैसे कैसे माध्यम है आपको न्याय के, मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। तब तक लिए फ्रेंड्स, वीडियो आई पसंद तो प्लीज इसको लाइक करते जाएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और यदि आप चाहते हैं कि सर मेरी भी आरटीआई लगा दीजिए, मुझे भी जानना है अपने मार्क्स कितने आए हैं, मुझे जानना है अपना कट ऑफ कितना गया है, मुझे जानना है मेरा सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ है, तो दोस्तों ये सभी चीजों को जानने का आपका अधिकार है, जिसका नाम है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। जी हाँ दोस्तों, इसके तहत आप हर एक चीज जान सकते हैं जो कि आपके अधिकार में आती है, आम नागरिक के अधिकार में आती है, हर एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
तो फ्रेंड्स नीचे लिंक है, आप लिंक पर क्लिक करिएगा। खासकर यदि आपके मार्क्स ज्यादा आए हैं, बाय चांस यदि आप 30 का 40 का 50 का पेपर करके आए थे तो ना भी लगाएं चलेगा, लेकिन यदि आप 50 60 70 के समथिंग इससे अबव भी जा रहे हैं तो आपको आईटीआई लगाना बनता है। अभी तक लगा दीजिए ताकि आपको आपके पास एक प्रूफ निकल के आ जाए सामने। यदि गवर्नमेंट कट ऑफ जारी करती है और आपका कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है तो आपको बताने को रहे कि मेरा मार्क्स इतना है फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आप इसका रीजन बताइए। तो दोस्तों आप ही लोग करेंगे सब कुछ आगे, कोई आपके आगे नहीं आने वाला। आप चाहें कि कोई आके खड़ा हो जाएगा तो ऐसा कोई नहीं है। जिसके साथ अन्याय होता है वही सामने निकल के आता है, उसी को न्याय मिलता है। ओके, और बाकी तो आपको जानते होंगे कि किसी को किसी से मतलब नहीं रहता कुछ, है ना। तो फ्रेंड्स लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।